तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। कुछ बच्चों का यहाँ प्रॉब्लम था एसएस के सिलेबस से रिलेटेड, उनको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था, तो चलो मैं उसको बता देता हूँ। ठीक है, मैं एसएस नहीं पढ़ाने वाला आज, ठीक है? रेगुलर ही क्लास रहेगी एसएस की। कल क्लास फर्स्ट कल आएगी, यानी संडे को, ठीक है? अब आपको ये बताना है, देखो मैंने वैसे डिसाइड कर लिया कि मैं सेकेंड चैप्टर पहले स्टार्ट करूंगा, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब आप बात करेंगे नेशनलिज्म इन, पहले मुझे यूरोप पता चल जाए, देन फिर इंडिया में आते हैं। सर बिल्कुल सही बात है, आपका सोचना बहुत अच्छी चीज है, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन पहले हमें इंडिया के बारे में थोड़ा समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम थोड़े फैमिलियर हैं इंडिया से। तो अगर हम इंडिया के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप को भी समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हम इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत काफी जानते हैं, हल्का फुल्का इधर उधर छोटे से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, फिर हम फर्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरा सोचना है। बाकी मैं देखूंगा, अगर मुझे अप्रोप्रिएट लगता है कि फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ा दिया जाए, तो मैं फर्स्ट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? नहीं तो मैं सेकेंड ही कैरियर करूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बात आती है सिलेबस की, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस रखा गया है। फर्स्ट और सेकेंड ये चैप्टर आने वाला है, बहुत जरूरी था, अच्छा हुआ इसको रखा गया है। अब बात आती है, फिर से बोल दे रहा हूँ, सेक्शन वन में फर्स्ट सेकंड दोनों चैप्टर रखे गए हैं, यानी नेशनलिज्म से रिलेटेड दोनों ही चैप्टर्स आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप बताती है सेक्शन टू। सेक्शन टू में आपका लिवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर जिसमें बहुत बवाल छिड़ा हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड इन्होंने ये चैप्टर्स हटाए। हालांकि इसमें वैसे भी ऑप्शनल ही था, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों में से कोई एक ही आता था आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए लिखा हुआ है, एनी आउट ऑफ वन ऑफ दीज टू चैप्टर्स। तो सीन ये है कि ये दोनों चैप्टर्स आपको, इनमें से कोई भी एक चैप्टर या फिर शायद दोनों चैप्टर्स आपके स्कूल में, ठीक है, जो भी रेस्पेक्टिव आपका स्कूल होगा वहां पढ़ाना ही है, ऐसा सीबीएसई वालों का गाइडलाइंस है, वो तो पढ़ाएंगे ही, बट आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, यानी इसके बारे में आपको नॉलेज लेना ही पड़ेगा। रीजन ये है क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप इस फील्ड में जाते हैं, इस फील्ड से रिलेटेड, कि अगर आप आर्ट्स चॉइस करते हैं तो एसएस आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट, तो उस जगह फिर आपको ये सारी चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आप नहीं पढ़ के पहले से ही कवर करके टेंथ में नहीं आ रहे हैं, तो वहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? फिर से बता देता हूं, ये दो चैप्टर जो है सेक्शन टू के, वो दोनों ही चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले, ठीक है? बट आपके जो एकेडमिक टेस्टर्स होते हैं, पीरियोडिक जो टेस्ट होते हैं, उनमें लिया जाएगा, यानी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर मैं सेक्शन थ्री की बात करूं, एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स, तो इसमें एक ही चैप्टर था, ठीक है, प्रिंट मीडिया वाला, और वो पूरा का पूरा चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये पूरा का पूरा, सॉरी प्रिंट मीडिया बोल दिया मैंने, ठीक है, तो कंप्लीट चैप्टर ये प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर आपका पूरा आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पूरा कंप्लीट चैप्टर, सॉरी ये डिलीट किया गया है, ये आपका क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया। देखिए कंप्लीट चैप्टर, सो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा ये, क्योंकि डिलीटेड वाला सिस्टम चल रहा, जो आपका ये देखिए शुरू में लिखा हुआ है कि भाई रिकमेंडेड पोर्शन फॉर अ डिलीशन, यानी कि ये रिकमेंड किए गए हैं डिलीट करने के लिए। इसका मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका डिलीट हो चुका है, आने वाला नहीं, कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है। ऐसे यहां पर भी ये जो पूरे ये जो दो चैप्टर हैं वो डिलीटेड है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, तो हिस्ट्री में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ दो चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी दोनों ही नेशनलिज्म से रिलेटेड। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है, फटाफट इसको आप नोट दो है आपके पास, तो अभी ज्योग्राफी में आते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में कंटेम्पररी इंडिया सेकेंड, ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो चैप्टर टू, चैप्टर थ्री और चैप्टर फाइव, यानी फोर फोर बचा, ठीक है, वो आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। बट अगर मैं बात करूं चैप्टर टू की, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीट चैप्टर नहीं आने वाला, ठीक है, इसके बाद वाटर रिसोर्सेस कंप्लीट चैप्टर नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पे एक सीन ये है कि यहाँ पे जो मैप है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैप है, उस मैप को रखा गया है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर फाइव की बात करते हैं, तो चैप्टर फाइव में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट मैप, मैप के लिए आपको इसको पढ़ना होगा। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद चैप्टर थ्री डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पूरा कंप्लीट चैप्टर, नो मैप। देखो
देखो यहीं पे एक बहुत सारा, जैसे वहां पे पॉलिटिक्स की बात करी थी मैंने, थोड़ी सी पॉलिटिक्स से रिलेटेड था हल्का सा, ठीक है, तो वहां से एक चैप्टर गायब करा गया। यहाँ पे बहुत सारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स गायब किए गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इश्यू चालू हो गया कि भाई हमारे जो आगे आने वाले यंग है ना जनरेशन है, उनको पॉलिटी के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं होने वाला, ठीक है। तो जब नॉलेज नहीं होगा तो ठीक तरीके से डिसीजन और से सोच समझ के लायक भी नहीं रहेंगे, तो उन्हें बहुत जल्दी से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आसानी से उन्हें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ खास नॉलेज नहीं होगा। वैसे भी ज्यादा बच्चे पढ़ते भी नहीं है एसएस, बट जो पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं अच्छे से, उनको मजा आती है, मन लगता है, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम कह सकते हैं जिनको पढ़ना है वो बुक पे है पहले से ऑलरेडी, उस बुक से तो डिलीट नहीं करा गया है, वो बुक से जरूर उस नॉलेज को ले लेंगे अगर उनका मन होगा तो। बट फिलहाल बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, ये खुशखबरी है, मजा करिए, पार्टी मनाइए। तो जेंडर रिलीजन एंड कास्ट ये वाला भी नहीं आएगा, कंप्लीट चैप्टर डिलीट है। पॉपुलेशन स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, कंप्लीट चैप्टर डिलीट है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, कंप्लीट चैप्टर डिलीट है। तो ये आपका टोटल समरी था, थोड़ा जल्दी से मैंने बता दिया है क्योंकि कुछ खास है नहीं, जो डिलीटेड है वो आपके सामने है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो अब आगे चलते हैं हम अपने मेन वर्क पे, ठीक है, इसे आप नोट क्या कर सकते हैं, ठीक है आपके पास हो गए, तो अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल, ठीक है। सो बात कुछ ये है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मिल रहे थे मुझे कि भाई हमें बहुत सारे क्या कुछ ही हैं, बट ठीक है वो इंटरेस्टेड है, कुछ के लिए भी अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूं। तो उनको प्रॉब्लम थी कि भाई, मतलब मैंने जैसे बोला था उनको कि भाई ट्रिपलेट प्राइम ट्रिपलेट नंबर वो क्या होता है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि भाई 5 और 2 का भी फंडा होता है, अगर आपको पूछना है तो भाई आप बताइए कमेंट में कि भाई अब हाँ मुझे जानना है हाउ, कैसे पता, कैसे जो है 5 और 2 ये आ गया, इसका क्या फंडा है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो ठीक है रुकिए, बट पहले मैं एक्सरसाइज कराऊंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, क्योंकि मेन वो उन लोगों के लिए नहीं है जो जिनको ये चाहिए, उनके लिए ये है जो सिर्फ एक्सरसाइज के लिए आए हैं, तो एक्सरसाइज कर लें, बाकी जिनको वो कॉन्सेप्ट चाहिए वो थोड़ा वेट करें, लास्ट में जब मैं बताऊंगा उसे देख लेना, ठीक है। तो चलो हम एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 कह रहा, फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, आप ये मत करने लीजिएगा 12, 15 एंड 21, आपको अलग अलग से करने हैं इनके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इनके प्राइम फैक्टर्स कीजिए, तो पहले हम 12 का करेंगे, सो 12 तो ये हो जाएगा 2, 6 फिर 2, 3 एंड 3, 1, ठीक है। देन हम किसका करेंगे, इसके बाद हम करेंगे 15 का, तो ये हो जाएगा 3, 5 एंड 5, 1। देन इसके बाद हम करेंगे 21 का, 3, 7 एंड 7, 1। तो ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15, 21। यहां राइट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 15 एंड 21। तो 12 का क्या होगा भाई, 12 का होगा 2 into 2 into 3, नाउ 15 3 into 5, नाउ 21 ये हो जाएगा 3 into 7, क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो इसका एससीएफ होगा, क्योंकि मेरे को एलसीएम और एससीएफ फाइंड आउट करना है। अच्छा हाँ एक बात और, कि हम ऐसा भी कुछ करते हैं आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है, तो अब हम कंपेयर करेंगे। जैसे अगर मैं 2 की पावर को कंपेयर करूं तो भैया 2 तो इसके पास है, इसके पास तो है ही नहीं, बट अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो एससीएफ क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन गया, 3, और तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, तो मैंने बताया था जो पहले कॉमन आ रहा है उसको ले लूं, यानी 3 इससे भी गया, इससे भी गया, इससे भी गया, इन तीनों से मैं ऐसे मार्क कर देता हूं, इससे भी गया, इससे भी गया, इससे गया, यानी अब इन्हें काउंट नहीं करना है, अब जो बच रहा है उसे काउंट कर लो। तो यहां पे ये बच गया, इसको राइट करो, यहां बचा 5, इसको राइट करो, यहां बचा 7, इसको राइट कर लो, ठीक है। अब क्या करना है, 5 से 35 ये 2 का स्क्वायर है, यानी 4, 35 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 140 आ जाएगा, इसको पहले मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, 4 into 5 into 7, 7 5 जा 35, 35 4 जा 140, 140 3 जा 420,
तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 420। क्लियर है? तो ये हो गया 420 और एचसीएफ हो गया 3। हो गया काम खत्म, नोट कर लो फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड है। देखिए ये आपके साथ एक कॉन्सेप्ट भी लेकर आएगा जिसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। 1723 एंड 29 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसका क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम। आप सिंपल सा ध्यान से देखिए तो 17 प्राइम नंबर है, अगर ये नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 17 प्राइम नंबर है भाई और 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ इटसेल्फ एंड वन में ही आता है। 29 भी प्राइम नंबर है, तो जब हम प्राइम नंबर का फैक्टर करेंगे तो खुद ही प्राइम नंबर है यार। सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं, टू का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अरे यार खुद ही टू प्राइम नंबर है, उसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का प्राइम फैक्टर नहीं होता, क्लियर है? बट फिर भी मैंने यहां राइट कर दिया है। देन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे कॉमन कुछ नहीं है, तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो वह सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो ये वन आ जाएगा, क्लियर है? इसके बाद एलसीएम, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो जो एलसीएम होगा उन्हीं को, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सभी को राइट कर दो, मल्टीप्लाई करो आंसर, यही तो होता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट ऑफ मल्टीपल होता है, तो हम सभी को क्या, इन सभी को जितनी फैक्टर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर? तो अब बात आती है कि क्या कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे आप। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम टू और मोर देन नंबर, टू और मोर प्राइम नंबर्स लेते हैं और उसकी एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक है, दैट मींस इफ वी टॉक अबाउट द एचसीएफ ऑफ द टू और मोर प्राइम नंबर, देन द एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर इज वन, क्लियर है? एंड व्हाट इज द एलसीएम, द एलसीएम ऑफ द टू और मोर नंबर, टू और मोर प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट दीज नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, कैसे नंबर, प्राइम नंबर्स, क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो एग्जांपल लेते हैं, टेक टू प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर ए एंड बी, हियर ए एंड बी आर द प्राइम नंबर, तो अगर प्राइम नंबर है सो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट, वन। एचसीएफ ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर ऑलवेज क्या होता है, वन होता है, याद रखना, दिमाग में डाल लेना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। सेकंड पॉइंट, एलसीएम क्या होता है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द टू और मोर नंबर, टू और मोर प्राइम नंबर, व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है, या फिर ये जो भी हमारे नंबर्स होंगे ए बी सी डी जो कि प्राइम नंबर्स होंगे उन सभी का प्रोडक्ट ही क्या होगा, वो एलसीएम होगा। तो एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, कौन से, प्राइम नंबर्स, एंड व्हाट इज द एचसीएफ, वन, क्लियर है? सो आई होप समझ में आ गया होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है, पहले से मैं थोड़ा सा काम कर चुका हूं, ठीक है। 8, 9, 25 सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कीजिए, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई खास बात नहीं, क्या सर कैसे क्वेश्चन बता रहे हो, क्या करूं यार, बताना पड़ेगा। सो एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये क्या है 2 to the power 3, ये क्या है 3 to the power 2, और ये है 5 to the power 2, ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक दूसरे में कॉमन हो, कनेक्ट हो, और अगर ऐसा होता है तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ 1 होता है। अब बात करेंगे हम एलसीएम की, एलसीएम मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब सबको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्या करेंगे, जो भी हमारे पास है, क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, यानी सभी को खिचड़ी बना दो, तो सारे नंबर्स ले लो। समझ बात आ रही है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कॉमन आता है तो हम कॉमन वाले को निकाल लेते हैं और बाकी जो बचता है रिमाइंडर नंबर्स, रिमेनिंग फैक्टर्स, उनको भी क्या कर लेते हैं, भाई तुम भी आ जाओ शादी में, तो वो भी आ जाते हैं। एलसीएम की बात करूं तो ये भी आ जाएंगे 2 to the power 3, 3 to the power 2 और 5 to the power 2, इनको ले लेंगे। देन सबसे बेस्ट होता है 5 और 2, इनका कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है, ठीक है, ये आपस में बहुत जल्दी मिक्स होते हैं, तो हम करेंगे सिर्फ इन्हीं दोनों में खेल खेलेंगे। तो ये कितना है 8, ओके, और ये 9, और ये कितना 25 8 जा 200 होता है, 25 8 जा 200 होता है। अब 200 का मल्टीप्लीकेशन 9 से करोगे तो 1800 आ जाएगा, है ना, सिंपल, ठीक है, तो लाइक कर देना। चलो तो अब बात करेंगे कि सर आपने बताया था कि अगर प्राइम नंबर्स का हम एचसीएफ लेते हैं तो 1 आता है ना, 2 or more प्राइम नंबर्स होते हैं तो 1 आएगा। तो अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा पिछले वाले क्वेश्चन को जो मैंने कराया कि सर वहां तो प्राइम नंबर नहीं थे और उसके बाद भी वहां पे जो एचसीएफ है वो 1 आ गया, है कि नहीं। तो मतलब ये क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ प्राइम नंबर के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर पे ही नहीं होता, ऐसे विदाउट प्राइम नंबर्स में भी होता है कि उसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो।
अच्छा इस तरह के नंबर को हम कुछ और स्पेशल एक नेम से जानते हैं, है ना। प्राइम नंबर को हमें पता है, हमें ट्विन प्राइम नंबर भी पता चल गया, बट एक नंबर और होता है जिनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अगर आप लोगों को याद है तो, जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं बताऊंगा, यानी एक नई चीज होगी अपनी लाइफ में, एक नई चीज सीखेंगे, ठीक है, कुछ नया सीख के जाएंगे। बट जिनको पता है उनको मालूम है कि व्हाट इज द को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। कोई मतलब नहीं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, ठीक है। तो जैसे सपोज मेरे पास एक नंबर है 10 और मेरे पास हो गया 5, चलो सॉरी 5 नहीं यार, काम खड़बड़ हो जाएगा। अब 7 की अगर मैं बात करूं, या चलो मैं 9 ले लेता हूं, ये दोनों के दोनों नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर नहीं है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। 10 क्या है, सॉरी हाँ प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, द एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज 1, क्लियर है। चलिए आगे चले, ठीक आगे चलते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, अब हमारा और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम होगा, ठीक है, इनका प्रोडक्ट एलसीएम होगा। तो एक तो हमें प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, हालांकि आप उन्हें प्राइम नंबर ना कहकर को प्राइम में से ही डिनोट कर सकते हैं कि दीज आर द को प्राइम नंबर, एंड इफ वी फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, टू और मोर प्राइम नंबर्स, कॉन्सेप्ट वही बनता है, सेम टू सेम, ठीक है। जो को प्राइम के लिए बोलोगे वही प्राइम नंबर्स के लिए बोलोगे, क्योंकि प्राइम नंबर का भी जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ आएगा वो भी 1 आएगा, क्लियर है। तो वो दोनों डेफिनेशन जो है ना वो कनेक्ट करती है एक दूसरे से। चलो आप इसको इस पे आते हैं, लिखा गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ दिस 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 दैट ऐसे फलाना ढिमकाना, ठीक है, एलसीएम करना है। तो फिर से सही से पढ़ देता हूं, लिखा है द फाइंड द एचसीएफ ऑफ, अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये मेरे लिए 2 नंबर्स बन गए, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। आपको मैंने लर्न कराया था एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी, वेयर ए एंड बी आर द 2 नंबर, ठीक है, एंड फॉर्मूला बन जाता है आपका द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना, जिनके हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे होते हैं। तो यहां पे सेम सिस्टम यहां पर भी लागू होगा, यहां पे एचसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है 9, किन इन दोनों नंबर्स का मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एंड बी क्या है, यही तो ए एंड बी है, यही तो ए एंड बी है, ये तो 2 नंबर से ही हमारे लिए ए और बी का वर्क करेगा, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन हमें मालूम है द एचसीएफ, बिकॉज एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम, मैं 2 नंबर्स के लिए ले रहा हूं, ए कॉमा बी इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर ए कॉमा बी, ये मालूम है। अब मेरे पास एचसीएफ ए यानी 306 एंड बी 657 इस तरीके से है, इंटू एलसीएम 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू ए, ए व्हाट 306 एंड बी 5657, क्लियर है। यहां मुझे इसकी वैल्यू पता है, इस पार्ट की वैल्यू पता है कितना 9, सो 9 इंटू एलसीएम, बहुत सारे फॉर्मूले पे मत जाइएगा, नहीं सर बुक्स में तो लिखा हुआ एलसीएम का फॉर्मूला ए इंटू बी अपॉन एस सी एफ ऑफ द नंबर, ये सारे फॉर्मूले कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं, ठीक है, इन्हीं से। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, बस इसी पे आप फोकस कीजिएगा, बाकी सब आ जाता है, ठीक है। 306657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657, ये जो 9 है हमारा, ये 9 सेकंड साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा LCM ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाई 9, क्लियर, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे, 9 3 27 3 9 4 36, एक नंबर को ही डिवाइड करना सफिशियंट है, ऐसा नहीं करेंगे इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, बहुत सारे बच्चे करते हैं ये मल्टीप्लीकेशन में, यानी ये क्या है, ज्वाइंट फैमिली बोले तो, ज्वाइंट क्या है, सिंगल फैमिली है, उसी में सब रह रहे हैं, ओके। तो अभी क्या है, इसको जो है बस बात खत्म हो गई है, और मेरे को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब 34 इंटू 657 ये हम करेंगे और हमारा रिजल्ट हमको मिल जाएगा, एलसीएम हमें 306 और 657 का मिल जाएगा, क्लियर है। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। चलो मैं यहां कर देता हूं मल्टीप्लाई बाय 34, 4 7 जाए 28, 2 4 5 जाए 22, 6 4 जाए 24, 26 हो गया, क्रॉस
7 3 21 2 5 3 17 5 3 15 2 17 1 6 3 18 19 8 3 3 12 और 2 2 2 3 3 8 ये आपका रिजल्ट आ गया 2 2 3 3 8। बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ 4 to the power n, इसी तरह का सेम क्वेश्चन था। हाँ तो आप कर सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 6 to the power n है, 2 into 3 to the power n है इधर पे, क्लियर है। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये कुछ इस फॉर्म में रहेगा, 2 to the power n into 3 to the power n, एंड यू नो दैट इफ द गिवेन नंबर इज एंड विद डिजिट जीरो, देन द फैक्टर ऑफ दीज नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n एंड 5 to the power n, ऐसा होना चाहिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं द फैक्टर ऑफ द नंबर इज मस्ट बी 2 and 3, या मस्ट हैव 2 and 5। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सिंपल सा, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 10 को हम 2 एंड 5 लिख सकते हैं। सो इफ द नंबर, इफ द गिवन नंबर इज एंड विद 0, देन इट मस्ट हैव द फैक्टर 2 एंड 5, इट मस्ट हैव द फैक्टर 2 एंड 5 इन इट। इसके अंदर क्या होना चाहिए, फैक्टर होने चाहिए 2 और 5 के, क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। बाकी वो लैंग्वेज वहां मैं लिखा चुका हूं, उसको देख लीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 आर कम, मतलब इस कंपोजिट नंबर फॉर दिस क्वेश्चन एंड बोथ क्वेश्चन फॉर बोथ क्वेश्चन आर, ठीक है। तो एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13, ये हमारे पास एक नंबर है, इस फॉर्म में कन्वर्ट है वो पर्टिकुलर नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर 5 की बात करूं तो 5 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना 2 into 2 plus 1। तो इसी तरीके से वो बोल रहा है कि ये मेरे पास एक पर्टिकुलर नंबर है और ये नंबर क्या कंपोजिट नंबर है, ये आपको बताना है, और अगर है तो वाई, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, तो बिल्कुल इजी से मैंने कंपोजिट डेफिनेशन भी बताई थी, मतलब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताई थी। क्या होता है कि ऐसा नंबर या नंबर सच नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इंक्लूडिंग 1 और मोर देन 1 फैक्टर एक्सेप्ट दी 1, क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल 6, अगर हम 6 के फैक्टर करें तो 2 3, ये प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं, क्लियर है ना। अगर मैं प्राइम फैक्टर को हटा भी देता हूं तो 2 3 and 6 हो गए ना इनके फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हो गए 2 3 and 6 और 1 भी तो हो गया, बट हमें 1 नहीं लेना है। अगर 1 नहीं लेना तो मोर देन 1 फैक्टर, और अगर 1 भी लेना है तो मोर देन 2 फैक्टर, आई मीन क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर हमें 1 भी लेना है तो मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए 1 को भी इंक्लूड करके, ओके। सो अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2 3 1। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे अगर हम 1 को एक्सेप्ट करते हैं तो मोर देन 1 फैक्टर होना चाहिए, और अगर हम 1 को इंक्लूड करते हैं तो मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा बोलेंगे, क्लियर हो गया आई थिंक, समझ में आ गया होगा। सिंपल सा फंडा है, 6 की जगह पे हमें 8 लेते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आप 2 2 2 अगर प्राइम फैक्टर करते हैं, वैसे आप जानते हैं इसके कितने फैक्टर से, नॉर्मल 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 से हो जाएगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना इसके, ठीक है। सो बात यही है कि अगर हम किसी कंपोजिट नंबर की बात करें तो उसके प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट, यानी उसके फैक्टर्स ज्यादा होने चाहिए प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर के जितने ही फैक्टर होते हैं उनसे ज्यादा। तो प्राइम फैक्टर के नॉर्मली कितने फैक्टर लेते हो, 2 लेते हो इटसेल्फ एंड 1, वहां से ज्यादा लेना है एक कदम और आगे, यानी 3 4 5 6 और भी फैक्टर्स होने चाहिए, क्लियर है। तो चलो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, यस 13 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर 7 into 11 13 चला गया। ध्यान से सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूं थोड़ा स्लो, यहां से मैंने 13 कॉमन लिया यानी 13 मैंने निकाला, जब ये 13 चला जाएगा बचेगा क्या, 7 into 11 प्लस, जब भी मैं 13 निकालूंगा तो यहां से 1 बचेगा। सर नहीं समझ में आ रहा, कुछ बच्चों को सर नहीं समझ में आ रहा, तो देखो ध्यान से, सपोज मेरे पास यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस यहां लिखा है 2x, मेरे को कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का फंडा क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं एक्स इंटू एक्स, बिल्कुल सर। क्या मैं 2x को 2 into x लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल सर। अब ये देखो कि क्या चीज सेम टू सेम दिख रही है इन दो टर्म्स में, ये तो टर्म्स है ना, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, इतना तो पता होगा टर्म है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, एक्स
इसको कट कर दो, जो कट किया उसको बाहर कर दो और जो बच रहा है उसको अंदर कर दो। नहीं क्लियर हुआ? जो सेम टू सेम है उसको कट करके बाहर कर दो, ये रफ वर्क है, और जो बच रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर कर दो। तो सेम चीज यहां कट नहीं करने का है, बस माइंड को ये बताना है भाई देखो कॉमन क्या आ रहा है। तो यहां से 13 कट हुआ बाहर आ गया। अब हमें मालूम है कि अगर मैं जैसे सपोज मेरे पास लिखा हुआ है 7 × 11 × 13 + 13, अगर मैं 13 से कट करूंगा तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, 13 वनजा, ठीक है, तो यहां क्या हुआ 17 11 + 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। जब 13 मैं निकालूंगा तो वहां 1 बचेगा, ओके, कुछ नहीं तो 1, सब जिसका कोई नहीं उसका एक जरूर होता है, ठीक है। तो 13 × 7 = 77 + 1 कितना हो गया, 78 हो गया भाई, 78। क्लियर है? अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में जो फैक्टर होता है वो 1 होता है और नंबर इटसेल्फ होता है 2 3 4, एक बता रहा हूं, नंबर इटसेल्फ होता है। अगर मुझे कंपोजिट की बात करनी है तो हम प्राइम नंबर से एकदम आगे जाएंगे, वन स्टेप, ठीक है, तो करते हैं वन स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं। तो अगर मैं कोई और नंबर लू लाइक 3 ले लू तो बस बन गया कंपोजिट नंबर, तो क्या हुआ 6 हो गए। मेरे पास 1 3 पहले से एक नंबर मैंने और लिया 5, तो कितना होगा 5 3 = 15। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर मैं इस जगह की बात करूं तो यहां पे भी तो ये कंपोजिट नंबर के फॉर्म में ही तो है, क्यों, यहां मोर देन टू फैक्टर नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, कैसे, आप इसको और फैक्टराइज कीजिए, क्या 78 को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, 2 × 2 = 6 and 3 = 39 लिख सकता हूं सर, ठीक है, 39 को ब्रेक करके आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 × 13, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो गए ना, कौन कौन से, 13 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 13 दो बार हो रहा है उसको नहीं काउंट करेंगे, तो 2 से भी कैंसल आउट है, 3 से भी कैंसल आउट होगा, 13 से भी ये फुल नंबर कैंसल आउट होगा। क्लियर है? और किससे जाएगा भाई, और भाई 13 से जा रहा है, 39 से भी कैंसल आउट होगा, और किससे, समझ गए होंगे आप, इस तरीके से बहुत सारे नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्या बात पता चली, why, explain why it is a composite number, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे it is a composite number because it have more than two factor, क्या लिखेंगे, it is composite number because it have more than two factor, ठीक है, two factor इन इट, क्लियर है, दैट्स इट, नोट कीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ था मैंने इसको पहले से सॉल्व कर दिया है क्योंकि आपके लिए इजी होगा, बिल्कुल वैसा ही करना है। क्या देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से 5 और ये 5, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, यहां से 5 तुरंत कॉमन लू ले लिया मैंने, जब 5 लूंगा तो इस 5 के प्लेस पर कुछ नहीं बचेगा, 1 लिख दूं सर, क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है, उसी इतने सारे नंबर है, पूरी फैमिली लेकर चल रहा है, एक गायब हो गया हालांकि रोएगा बट ठीक है, ठंड पाएगा। चलो 5 निकाल लिया मैंने, ओके, सो 5 जो मैंने निकाला अकेला था बंदा, एक बचा, 1 बचा, यह डिवाइड वाला फंडा होता है, 5 बन जा 5 कैंसिल हो गया। तो जब मैंने ऐसे किया तो मेरे को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला, यहां से 5 यहां से गायब हो चुका है, यहां से भी गायब हो चुका है। नेक्स्ट टाइम क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का ही साइन हम कंसीडर करते हैं, तो 5 × अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 1008 आएगा, आप भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, एंड प्लस 1, अब इसे जब मल्टी ऐड करेंगे आप, क्योंकि प्लस का साइन है तो ऐड ही करेंगे, तो 1009 आएगा और 1009 प्राइम नंबर होगा, ठीक है, मतलब कैंसल आउट नहीं होगा। चलो देख लेते हैं किससे होगा, मैं ऐसे एक तुक्का मारता हूं, ठीक है ना, तुक्का मारता हूं कि देखते हैं होगा कि नहीं। तो हम ये चेक करते हैं कि जो 1009 है वो किसके स्क्वायर के आसपास है, 1009 किसके स्क्वायर के आसपास है, तो हमें मालूम है ये 10 का, अगर सॉरी 10 का कह रहा हूं, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये आ जाएगा 900, काफी पास पहुंच गया। 31 का स्क्वायर अगर करो, 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961 या फिर 31 19 19, और सब्सट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा, ये फंडा बताया था मैंने, 12, और 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका 361, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 361 यानी कि बिल्कुल सही 961 हो जाएगा, ठीक है, सो ये 961 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग
और 32 की बात करें तो 1024, मतलब अब थोड़ा काम गड़बड़ हो गया, मतलब 1024 ये थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है, तो हम 31 तक ले लेते हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे 31 जैसा 961 हो गया, अब हम 31 तक ले लेंगे। अब हम करेंगे ये कि 31 से पहले जितने भी मेरे प्राइम नंबर है, 31 से पहले जितने भी मेरे प्राइम नंबर है, जैसे कौन कौन से प्राइम नंबर है, सबसे पहला 29, फिर 23, फिर 19, और भी है क्या, हाँ 17, और भी है क्या, हाँ 13, और भी है क्या, हाँ 11, और भी है, हाँ 7, और 5, और 3, और 2, ये जितने भी नंबर्स हैं इन पे चेक कर लेते हैं, इन पे चेक कर, थोड़ा सा फंडा लंबा है लेकिन एक तरीका बता रहा हूं, ये बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। अब आप करना सिंपल ये है, देखना ये 2 दिख रहा है, देखो 2 से कैंसल आउट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आप जानते हैं, क्योंकि इवन नंबर नहीं है लास्ट में। 3 से चेक कर लेते हैं ऐड करके, 9 + 1 = 10, 3 से भी नहीं होगा, 3 की डिविजिबिलिटी आती होगी। 5 लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, नहीं होगा। 7 का मैंने बताया था कि डबल करो माइनस करो, है ना, तो डबल करो, 9 × 2 = 18, तो 100 में 18 माइनस करो, लास्ट क्लास में बताया था कितना बचेगा आपका 82 7 के टेबल में आता है क्या, 7 + 7 = 1 बचा नहीं आएगा, ठीक है, तो 7 से भी नहीं कट, कैंसिल आउट हो रहा। अब बात करते हैं 11 से, तो 11 में क्या होता है, 11 से डायरेक्ट करके देख लो चाहो तो, 11 × 9 = 99 बचेगा कितना, 1 बचेगा, 19 नहीं आएगा, ओके, तो 11 से भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा। 13 से, तो कुल मिला के हम सभी से चेक करते हैं, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29, अगर किसी से कैंसिल आउट हुआ तो फिर हम इसको और आगे करेंगे, हालांकि इतना ही काफी है, क्यों, क्योंकि हमें एक्चुअल में कंपोजिट नंबर में क्या चाहिए होता है, सोचो, थिंक, हमें चाहिए होता है जो कंपोजिट नंबर है मेरा उसमें मोर देन 2 फैक्टर हो, इंक्लूडिंग वन मोर देन 2 फैक्टर हो, तो यहां पे मोर देन 2 फैक्टर है ना, 1 को भी इंक्लूड करते हैं तो बस कंपोजिट नंबर है, और तो कुछ सोचना ही नहीं अपन को, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे आप लैंग्वेज क्या कर लिख देंगे, हियर द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, छोटा सा मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, चाहे तो इसे भी आप साइड में, अगर आप, वैसे तो बहुत सारे टाइम है, ठीक है, अगर आप बहुत सारे वीडियो सफरिंग नहीं करते हैं ऑनलाइन तो, ठीक है, तो बस फटाफट कर लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए मेरे को, सिंपल करना ये है आप लोगों को कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने हाथों में ले लीजिए, उसमें पेज नंबर 11 ओपन कर लीजिएगा, यानी चैप्टर नंबर 1.2, आई मीन एक्सरसाइज नंबर 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा बड़ा है, बोर्ड में मैं नहीं राइट कर सकता, तो इसे मैं रीड करता हूँ, आप मेरा आई होप हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे उसको पढ़ने में, रीड करने में। क्या लिखा हुआ है, लिखा देयर इज अ सर्कुलर पाथ, प्लीज रीड कीजिए, आपको तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, एंड सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अब ये क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा, या तो आप बहुत स्मार्ट हैं, या तो आपने बहुत टाइम, बहुत बार इसकी प्रैक्टिस करी है। अब वो सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते, तो मैं हर एक बच्चे के लिए ट्रिक्स वगैरह लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो करना सिंपल ये है कि आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले और हाउ मेनी समथिंग इस तरीके से पूछेगा, तो आपको सिर्फ एक पॉइंट पे, कुछ वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, पूरे क्वेश्चन को रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है जो मैं पैटर्न बता रहा हूं, जिस तरीके से पेपर क्वेश्चन सेटअप किया जाता है, मैं उसके अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपको सिंपल ये करना है कि आपको अपने क्वेश्चन में ये वर्ड ढूंढना है, ठीक है, अगेन और अ टुगेदर, अगेन या टुगेदर, अगर ऐसे वर्ड्स मिलते हैं उस क्वेश्चन में, अगेन या टुगेदर जैसे मिलते जुलते वर्ड, या फिर ये वर्ड मिलते हैं, या फिर अगेन मीट, टुगेदर मीट, इस तरीके के वर्ड्स अगर मिलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जितने भी आपको नंबर्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, उनका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो क्या फंडा है कि आपको पूरा क्वेश्चन रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या ट्रिक है, क्योंकि मैंने लगाया है तो आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, कि आपको सिंपल ये करना है कि अगेन और टुगेदर जैसे वर्ड्स पे फोकस करना है, ठीक है, और बस बिंगो, अगर जैसे मिल जाता है आपको सीधे एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्लियर है।
तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ लिखा है क्या, तो आप पढ़िए ठीक है, आपको देखना है। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन अराउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन। मिल गया अगेन वर्ड मिल गया, बस काम खत्म, पूरा क्वेश्चन को समझने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि आप समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ठीक है। तो चलो मैं समझा भी देता हूँ क्वेश्चन को एक बार, फिलहाल तो आप समझ गए एलसीएम। मेरे पास एक बड़ा सा सर्कुलर पाथ है, वहां पे कुछ बच्चे जो हैं रेस वेस चल रहा है, दौड़ेंगे भागेंगे हाँ ये सब करेंगे, तो रेसिंग वगैरह हो रही है आप देखे होंगे ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली मूवी चल रही है, तो बहुत सारे क्या चलते हैं रैप, रैप होते हैं ना रेसिंग वगैरह में, आप गेम भी खेलते होंगे तो बहुत सारे लैप्स होते हैं, 1 लैप 2 लैप 3 लैप 4 लैप तो लैप्स होते हैं, लेकिन उस लैप में कभी कभी क्या होता है कि वो जो कार है दूसरी वाली कार को ओवर है ना, क्या बोलते हैं यार जानते होंगे, क्रॉस करके चली जाती है ठीक है, ओवरटेक कर लेती है, तो उस कंडीशन पे थोड़े से टाइम के लिए उसके पैरेलल तो रहती है ना, यानी वो दोनों एक दूसरे से मीट तो करती है कि नहीं, हाँ करती है। तो यहाँ पे बहुत सारी रेसिंग वेसिंग हो रही है और 12 मिनट 14 में वो आपको क्वेश्चन में दे ही रहा है, ये कह रहा है एक साथ कब मीट करेंगे, अब सबकी स्पीड अलग अलग है, सबकी स्पीड अलग अलग है तो सब लोग अलग अलग स्पीड से दौड़ते हुए चलेंगे, जैसे ये थोड़ा धीमे चल रहा है, ये थोड़ा तेज चल रहा है, ये बहुत तेज चल रहा है, तो ये मान लो सपोज दैट ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये यहाँ पहुंच गया और फिर ये यहाँ पहुंच गया, तो एक दूसरे से मिल जाएंगे कि नहीं, तो बस यही कुछ कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, लेकिन हमें बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, हमें सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करना है, तो वर्ड्स अगेन मिल गया, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, फालतू की बातों पे टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन करेंगे कैसे, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भाई मैं वर्ड्स लास्ट वाला सिर्फ पढ़ रहा हूं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर हाउ मेनी, तो यहां पे लैंग्वेज लिखना है टू फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम ठीक है, क्योंकि टाइम ही पूछ रहा है, मैनी हाउ मेनी मिनट्स तो टू फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम, डोर क्लोज कर दो, वी विल फाइंड द LCM ऑफ नंबर्स क्या क्या है 18, 12, बस दो ही नंबर हमें हाँ 18 एंड 12, तो 18 एंड 12 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन से यहां 18 निकालते हैं, 18 कितना आएगा 2 9 3 से जाएगा 3 3 3 1, इसके बाद 12 का निकालेंगे भाई फटाफट, सो 12 का निकाल लेते हैं, यहाँ पे इधर दिख रहा होगा 2 6 2 3 एंड 3 1 ठीक है, तो यहां पे हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 18 एंड 12 क्या हो जाएगा भाई, 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 3 × 3 ठीक है, 2 × 3 × 3 तो ये हो जाएगा 2 × 3² और 12 हो जाएगा 2 × 2 × 3 ये हो जाएगा 2² × 3। अब क्या होगा, सो LCM इज इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर देखते हैं, तो 2 to the power 2 और 3 to the power 2 ये मैक्सिमम पावर्स हैं, तो ये क्या हो गया 2 to the power 2 4 हो गया, 3 to the power 2 9 हो गया एंड 9 4 36। क्वेश्चन में मिनट की बात हो रही है तो यहाँ पे भी हम मिनट पूछेंगे राइट करेंगे, तो 36 मिनट यानी आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो आफ्टर 36 मिनट ठीक है दे विल मीट टूगेदर, क्लियर है, तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है, लास्ट में लैंग्वेज लिख देना है का आपको कि आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन, क्लियर है, मजा आया सच्ची बात ठीक है, बहुत बढ़िया, 2 रुपए मिलना चाहिए चलिए इसे नोट करिए फटाफट, यही आपका सोल्यूशन है, आगे चलते हैं जो मैंने बोला था कॉन्सेप्ट बताने का ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट की ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम थी कुछ बच्चों की, हमारे प्यारे बच्चे जो पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया वाले, सो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की बात करता हूँ ठीक है, आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ठीक है, जिनको एक्टर्स हीरो हीरोइंस ये सब नहीं बनना है उनके लिए है
ठीक है, तो जिनको बनना है वो जा सकते हैं भाई। सो डिविजिबिलिटी ऑफ सेवन की बात करता हूं, तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मेरे पास जो नंबर है वो कॉन्टिन्यू लगातार जो टू डिजिट नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल 666 टाइम्स। पहला एक तो कॉन्सेप्ट है टू डिजिट वाले नंबर्स लगातार रिपीट हो रहे हो, एक तो वो है। या फिर आप ये देखिए सबसे बेस्ट कि कोई भी नंबर 6 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, 6 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, ठीक है। 6 टाइम्स रिपीट है तो 4, 5, 6, यानी ये 7 से डिवाइड होगा। क्या सिर्फ 7 से होगा? नहीं, ये 7 से होगा, 13 से होगा और 37, इन तीनों नंबर से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, 3, 3, 3, 3, 3 कर लो, 9, 9, 9, 9, 9 कर लो, मतलब ऐसे नंबर कोई भी जो एक क्या हो, जो ये लो और ये लो, ठीक है। तो जो 6 टाइम्स रिपीट हो रहे हो सेम नंबर्स, वो सारे नंबर 7, 13 और 37 से डिविजिबल हो जाते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट होता है? और कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेरे जो नंबर है, सपोज मेरे पास लिखा है 147, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर मुझे पता करना है 7 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या बताया था कि लास्ट वाले नंबर को डबल कर दो, 7 2 14, या फिर मैं एक काम करता हूँ 28 ले लेता हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा, 7 2 14, और उसको बचे हुए नंबर यानी 28 से माइनस कर दो। अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो फुल नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बताया था, उसको लास्ट वाले डिजिट को डबल करके माइनस कर दो, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर अगर हमारे पास जो भी नंबर है उसके लास्ट वाले डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नंबर बचता है उससे उसका एड करने पर जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे 8 + 5 = 11 और ये हो गया 6, 61, ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर ये 7 से, एक मिनट, 8 + 5 = 13 हो जाएगा 63, और अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो फुल नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, या क्वेश्चन मैंने ये करा था कि क्या आप लोगों को ये पता है कि 5 और 2 ये आ कहां से गया, ये कॉन्सेप्ट कैसे बन गया, ये क्या तरीका बनाया होगा, कहीं से तो आया होगा ये नंबर, कुछ तो गड़बड़ है ना दया। तो इनके बारे में जिनको पता करना था उनके लिए मैं बता देता हूं कि एक्चुअल में ये आया कहां से और ये कैसे हो जाता है। तो मेरा डस्टर मेरे को नहीं मिल रहा है और अब मिल गया, तो अब मैं इसको इरेज करता हूं और आपको इसके बारे में बताता हूं। तो देखो, यहां पे मैथ में एक कॉन्सेप्ट या चिड़िया या बोले तो एक पर्टिकुलर नंबर की बात आती है जिसको हम सीड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं याद करो बच्चों, क्या बोलते हैं? सीड नंबर। क्या बोलते हैं? सीड नंबर। ये जो 5 और 2 है ना, ये 7 के लिए, किसके लिए? 7 के लिए सीड नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? सीड नंबर्स। और खास बात, मतलब रोचक बात ये है कि इनके जब ये सीड नंबर को तुम ऐड करते हो ना तो ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। जैसे 5 और 2 को ऐड करो, देखो 7 मिल गया कि नहीं। तो इसी तरीके से क्या सर 13 का भी होता होगा? हाँ। तो सर क्या 12 का भी होता होगा? नहीं बेटा, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, लाइक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, लेकिन ये सब तो इजी है ना, इनको हम प्राइम, इनके हम सीड नंबर निकालने की क्या ही जरूरत है, इनका तो कॉन्सेप्ट एक इजी वाला हमें पता ही है। तो हम सीड नंबर प्राइम नंबर्स की निकालते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी डिविजिबिलिटी चेक करना है। लाइक 23 की चेक करनी है मुझे 19 की चेक करनी है, 29 की चेक करनी है। तो ऐसे जितने भी प्राइम नंबर है उन प्राइम नंबर की अगर मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तब हम क्या लगाते हैं? सीड नंबर वाला मेथड। तो हम यहां सीड नंबर फाइंड आउट करते हैं। कैसे सीड नंबर फाइंड आउट करते हैं? तो याद रखो, जितने भी प्राइम नंबर के जो सीड नंबर होते हैं, सीड नंबर, वो इन द फॉर्म ऑफ इस फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में? 10n + 1 और 10n - 1। ये जो सीड नंबर है प्राइम नंबर के, जिनकी हम डिविजिबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए? 10n + 1 और 10n - 1 इस फॉर्म में होने चाहिए। समझ में आया दया? देखो, एक खास बात और आ गई, 10n + 10n - 1, यहां पे n क्या है? यहां पे 10 हमारा नेचुरल नंबर है। तो यहां एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएगा, तुरंत दिमाग में चला जाएगा, तो सर क्या जो मेरा नंबर होगा वो क्या उसकी लास्ट डिजिट में 1 और 9 होना चाहिए? बिल्कुल,
बिल्कुल सही बात, याद रखो जो भी मेरे ये नंबर्स हैं डिविजिबिलिटी ऑफ सेवन अगर फाइंड आउट कर रहा हूं ठीक है, तो उनके जो सीड नंबर है उनका जो सीड नंबर है उसका यूनिट डिजिट वन और नाइन होना चाहिए। सर नहीं समझना, देखो हाई लेवल का ये सिस्टम है, जो भी है बहुत हाई लेवल का है ठीक है। तो सर जरा समझो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास 33 है, तो पहले तो ये चेक करो क्या 33 सेवन का मल्टीपल है। नहीं, याद रखो हम जो भी नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर डिजिट का मल्टीपल होना चाहिए। मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, मैं सीड नंबर फाइंड आउट कर रहा हूं, क्लियर हुआ। और सीड नंबर यही नंबर निकलेंगे, ये जो एन है यही सीड नंबर निकलेंगे ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हमें करना ये होता है, ये जो सीड नंबर का मल्टीपल है, ये जो सीड नंबर का मल्टीपल है, आई मीन प्राइम नंबर का जो मल्टीपल है, सीड नंबर फालतू बोल दिया मैंने, ये जो मल्टीपल है वो कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए जिसके लास्ट में वन और नाइन आ रहा हो। तो अपने माइंड में सेवन का कोई ऐसा मल्टीपल सोचिए जिसकी लास्ट डिजिट में वन और नाइन आ रहा हो। तो सेवन टू जा 14, सेवन थ्री जा 21, यस। तो 21 ऐसा नंबर सोचो जिसके लास्ट में नाइन हो। तो सेवन टू सेवन, फोर जा 28, सेवन फाइव जा 7, सिक्स जा 7, सेवन जा 7, सेवन जा 49, है कि नहीं। अब अगर आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा, ये 10 इंटू टू और प्लस वन, देखिए 10 टू जै 20 प्लस वन हो गया ना। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं 10 इंटू 5 माइनस वन, देखिए 49 हो गया। तो यहां से इस फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है, हो गया कन्वर्ट। किसको, जिस भी नंबर का आपको डिविजिबिलिटी चाहिए उसके मल्टीपल को, जिस भी नंबर का डिविजिबिलिटी चाहिए, प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी चाहिए उसके मल्टीपल को किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, उसके लास्ट डिजिट कैसी होनी चाहिए, वन और नाइन। 13 में भी यही सिस्टम है, हाँ 13 में भी यही सिस्टम है। 13 का कोई ऐसा मल्टीपल सोचो जिसके लास्ट डिजिट वन और नाइन हो। ये सीड नंबर फाइंड आउट करने का फंडा बता रहा हूं, क्लियर है। तो 13 वन जा 13, 13 थ्री जा 39, 13 थ्री जा 39। अब बात आती है जिसमें वन है, 13 सेवन जा कितना होता है 91। भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को लास्ट की डिजिट में वन और नाइन ही तो चाहिए, वन और नाइन आ गया, 13 सेवन जा और 13 थ्री जा, ठीक है। अब चला देखते हैं कि क्या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। इसको मैं क्या करूंगा, 10 इंटू 3 और प्लस 1, अब 91 को करो, 10 इंटू 10 और माइनस, अरे ये तो नहीं होगा मुझे 1, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पे थोड़ा और करो, ये प्लस 1 31 हो जाएगा, तो यहां करो 10 इंटू 4 40 और माइनस 1, क्लियर है ना। ये देख लो अब आ गया कि नहीं 39, और यहां पे मेरे को 91 चाहिए, तो यहां हम करेंगे 9 और कितना, 10 9 जा 90, 90 प्लस 1, नहीं आया समझ में, आ गया बिल्कुल सिंपल। तो अब बात आती है कि इससे सीड नंबर कैसे पता चला। तो ये जो ये देख रहे होगे आप लोग, ये जो एन की वैल्यू आई है आपको, ये जो इसके फॉर्म है, इसकी ये जो सीड नंबर के जो फॉर्म है, इसमें जो एन की वैल्यू है ना, यही सीड नंबर होते हैं, यही क्या होते हैं आपके पर्टिकुलर उस डिविजिबिलिटी के सीड नंबर्स होते हैं। अब यहां होता क्या है, ये जो प्लस वाला है इसको सब्सट्रैक्ट करके हम फंडा लगाते हैं, और ये जो माइनस वाला है इसे हम प्लस करके लाते हैं, और खास बात ये होती है कि दोनों का सम कितना होता है, सेवन होता है। ऐसे यहां पे भी देखिए, यहां पे ये जो फोर है इसको प्लस करके लाना है, और ये जो नाइन है इसको माइनस करके लाना है, और चाहे तो आप इसे ऐड करके देखिए, नाइन और फोर इनका सम कितना आएगा, 13 आएगा। सर इसका बताइए जरा, देखो करना ये होता है, आपको याद होगा यहां मैंने जब 287 बताया था तो मैंने कहा था लास्ट डिजिट को डबल करो और फिर सब्सट्रैक्ट करो, फिर सब्सट्रैक्ट करो, क्लियर हुआ। और मैंने यहां 5 के लिए क्या बताया था कि लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, और ऐड करो, ठीक है ना, यही बताया था, ये देखो ऐड करो, क्लियर हुआ। ऐसे यहां पर भी आपको लास्ट डिजिट में क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, ठीक है, और यहां पर 9 से मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्सट्रैक्ट कर देना है, क्लियर है। और जो नंबर बचेगा रिमाइंडर, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, वो अगर 39 से डिवाइड या 13 से डिवाइड हो रहा है तो फुल नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हुआ। सो आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी सा फंडा है, ठीक है। सो बस आपको ये पता करना था कि एक्चुअल में ये 5-2 का क्या कॉन्सेप्ट था। तो 5-2 का कॉन्सेप्ट यही था, सीड नंबर वाला, और यहां से जो मैंने बताया 4 और 9 वाला, ये 13 के लिए, ये किसके लिए है, ये आपका 13 के लिए है, क्लियर है। तो आप यहां से आप 13 की डिजिबिलिटी भी
बता सकते हैं कि हाउ वी फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 13, क्या कि लास्ट डिजिट में 4 का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दो रिमाइंडर में, या फिर लास्ट वाले डिजिट में 9 से मल्टीप्लाई करके उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, बचा हुआ नंबर 13 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ गया ठीक है तो आप नोट कर लीजिएगा, और क्या क्या बताऊं। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। चलो प्राइम ट्रिपलेट नंबर के बारे में आपको जानना था, तो प्राइम ट्रिपलेट नंबर ही बता देता हूं। ठीक है, आज बाल थोड़े खराब लग रहे होंगे, नहाया हूं ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ससुर खड़ा हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइम ट्रिपलेट नंबर, देखो प्राइम ट्रिपलेट नंबर इन द फॉर्म ऑफ P, P plus 2, P plus 6 इस फॉर्म में होनी चाहिए। प्राइम ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट कैसे होते हैं? इस फॉर्म में ये सारे प्राइम नंबर ही होने चाहिए, ठीक है, ये तो है ही है भाई, प्राइम ट्रिपलेट है तो 3 प्राइम ट्रिपलेट नंबर। लेकिन याद होगा जब मैं ट्विन प्राइम बोल रहा था तो वहां पे एक खास चीज बताया था कि डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे 2.3 और 3.5 में कौन सा ट्विन प्राइम नंबर है? 3.5 यार, क्यों? क्योंकि डिफरेंस कितने का है? 2 का। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं है। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है, तो ये थोड़ी ना होगा। क्लियर है ना? ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि ये ट्विन प्राइम नंबर है, सॉरी ये नहीं है, ये वाला है। तो ऐसा ही प्राइम ट्रिपलेट नंबर में भी फंडा लगता है कि हमारा जो प्राइम ट्रिपलेट नंबर होना चाहिए ना, वो प्राइम नंबर्स तो होने चाहिए लेकिन वो प्राइम नंबर कुछ इस फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। और सिर्फ यही होता है क्या? नहीं, या फिर इस फॉर्म में हो। किस फॉर्म में? P, P plus 4 और P plus 6 इन दोनों में किसी भी फॉर्म में अगर नंबर्स हमें मिल गए तो वो हमारे कैसे होते हैं? प्राइम ट्रिपलेट नंबर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 11.13 and 17। अगर आप ध्यान से देखें तो P 11 हो गया, P प्लस 2, 2 का डिफरेंस, एंड फिर प्लस 6 और करो, 11 प्लस 6 17। क्लियर है? या फिर और कैसा होना चाहिए? और मान लो मैंने 7 ले लिया तो 7 प्लस 4 11 हो गया और 7 प्लस 6 13 हो गया, तो ये भी नंबर हमारे कैसे होते हैं? प्राइम ट्रिपलेट नंबर। तो याद रखो जो प्राइम ट्रिपलेट नंबर होते हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, आपको कुछ नया पता चला होगा, ठीक है। तो आप भी लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे और भी जो अच्छे बच्चे हैं जिनको इनके बारे में पता करना हो बिल्कुल बेशक आप बता सकते हैं। क्लियर है? सो आज की क्लास फिर हम यही खत्म करते हैं, वही पुराना कोट कि छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।